बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बैक्टीरिया रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, उनकी कंपोजिशन देखेंगे, उनके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके फंक्शन देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होती है, उनकी डिटेल, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनके फंक्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज इस टॉपिक रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ पोर्शन होते हैं। सबसे पहले पोर्शन जो यहाँ तक कंप्लीट हुआ वो ये था कि हमने देखा कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे हुई, बैक्टीरिया की अकरेंस, उनके स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंट शेप्स। और यहाँ से फिर ऑनवर्ड एक नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें बेसिकली हम सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी क्या कंपोजिशन है, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनेलीज जो बैक्टीरिया सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनकी तमाम डिटेल देखेंगे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये तमाम जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको एक ही लेक्चर वीडियो में कवर किया जाए, बट वो बहुत मेस क्रिएट करना था उसने। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैं दो दो टॉपिक छोटे छोटे उठा के एक लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो जो है आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि होने क्या जा रहा है। चलिए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक और वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस करना है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, या जो आपने सेल मेम्ब्रेन की कंप्लीट डिटेल देखनी है वो हमने देखा चैप्टर नंबर 4 में। हमने जब सेल मेम्ब्रेन को टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ हमने डिटेल में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। अगर हम आज बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में हम बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गई यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से। अच्छा, कैसे डिफरेंट है, क्या डिटेल वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी हम अगर अक्रेंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के बिनित मौजूद होती है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है उसके फौरन बाद सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके फौरन बाद फिर सेल वॉल होगी। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की अक्रेंस की बात करें तो वो सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। क्लियर है। अब मजीद उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो ये है कि अगर हम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो थिन होती है, मतलब कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन बहुत बारीक होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। क्लियर। उसके बाद ये है कि ये परमानेंटली मौजूद होती है अराउंड साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के बाहर ये परमानेंटली मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसके कंपोजिशन की बात करें तो कहते हैं कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन की या प्रोकैरियोटिक सेल की, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, या आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन या यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन थी हमने पीछे देखा उसमें क्या कंपोजिशन है डिटेल से, आपको पता है हमने पीछे पढ़ा था जो डिटेल सैंडविच लाइक होता था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो ऐसा है कि उसमें स्टीरोल मौजूद नहीं होता, मतलब कि बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल मौजूद नहीं होता, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में नहीं देखे गए। क्लियर है। यहाँ तक था हमारा सेल मेम्ब्रेन वाली पोर्शन का कुछ इंट्रोडक्शन, वो ये था कि हमने कहा कि इसकी अक्रेंस देखिए सेल वॉल के नीचे होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, परमानेंटली साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती है और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, यहाँ मौजूद नहीं होते। चलिए जी, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो थिन होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। अच्छा जी, क्योंकि प्लाज्मा कहते हैं लिक्विड को, जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है ना वो लिक्विड पोर्शन होता है सेल का, तो उसको प्लाज्मा, मतलब कि साइटोप्लाज्म के बहुत फौरन बाद में मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पीछे कहा था कि जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत बारीक होती है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस में पॉइंट ये है कि वो इतनी बारीक होती है कि अगर उसमें ज़रा सा भी, मामूली सा भी, डिलाइट सा भी अगर उसमें, अगर आप कह सकते हैं डैमेज आ जाता है तो उसमें ये होगा कि वो ऑर्गेनिज्म की डेथ की वजह बनेगी। क्लियर है। क्योंकि डेलिकेट सी होती है नेचर वाइज की, इतनी की बारीक होती है, इतनी नाजुक होती है सेल मेम्ब्रेन कि अगर उसमें मामूली सा भी डैमेज आए तो वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ की वजह बनती है। क्लियर है। उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें, अच्छा इनका फंक्शन जो है वो तकरीबन मिलता जुलता है। जैसे हमने यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको पता है कि ये प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। जैसे आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमीएबल होती है, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को वो इजीली पास आउट करती है, कुछ को वो पास इन करती है। अब इसके बाद हम अगर
बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो कहते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगर को, इलेक्ट्रॉन्स को एंड अदर मेटाबोलाइट्स, जो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं उन तमाम मेटाबोलाइट्स को, उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को, उन तमाम शुगर को, न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को ये ट्रांसपोर्ट करने में रेगुलेट करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये वहाँ भी सेलेक्टिवली परमिएबल एबिलिटी रखता है और ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को पास इन करता है। क्लियर है? इसकी पहला फंक्शन क्लियर हो गया। इसका सेकंड पोर्शन में जो फंक्शन है वो ये कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उनमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होने के बाद वहाँ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। मतलब कि अब इसके साथ साथ अब जब नेक्स्ट मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी छोटा सा है वो मीजोजोम, जब हम मीजोजोम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम, उनके अंदर भी कुछ जो है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे होते हैं बैक्टीरिया में। हम देखेंगे कि वो मीजोजोम क्या होता है, उसमें भी एक्चुअली वो सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर मीजोजोम बनता है। तो क्योंकि हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं, तो सेम यही जो फंक्शन है वो हम मीजोजोम में भी स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इनकी कंपोजिशन फंक्शन वगैरह भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से जो है वो आज का हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अच्छा, साइटोप्लाज्म सबसे पहले आप समझें, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म तो आपने पढ़ा था कि जी वो सेल के अंदर मौजूद जो फ्लूड पोर्शन होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो फ्लूडी नेचर रखता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, वो तो आपको समझ आ गया कि जो सेल का फ्लूड पोर्शन होता है या फ्लूडी पोर्शन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली ये होता है बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह, लेकिन अगर हम इनके नेचर की बात करें तो इनकी जो नेचर होती है वो थोड़ी जेली लाइक होती है, थोड़ी गाढ़ा होता है। ठीक है, वो थोड़ी फ्लूडी होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं वो थोड़ी गाढ़ी नेचर या आप कह सकते हैं जेल लाइक अपेयरेंस रखते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अगेन मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जो कि प्रोक्रियोट्स के रिलेटेड है, ये किंगडम प्रोक्रियोट है जिसमें हमने बैक्टीरिया को डिस्कस कर किया है, उस बैक्टीरिया की हम साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियॉइड के आप कह सकते हैं दरमियान में मौजूद होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता लग गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो, उसके बाद आप ये देखें कि न्यूक्लियॉइड क्या है। सबसे पहले मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ सो दैट कुछ हाईलाइट करने वाला हुआ तो मैं कर लूँ। अच्छा जी, न्यूक्लियॉइड की बात कर रहे थे हम। न्यूक्लियॉइड होता है न्यूक्लियस लाइक, मतलब कि अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है। तो कहते हैं कि हम इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप यही समझें कि ये सेल का या बैक्टीरिया सेल का न्यूक्लियस होता है। तो कहते हैं कि जैसे आम यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता था कि हमने कहा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेम इज द केस विद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरिया, कि ये भी क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियॉइड के दरमियान जो सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आपको इनकी लोकेशन समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वो ये कि जेली लाइक होते हैं, ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी रखते हैं, मतलब गाढ़ापन ये रखते हैं। ठीक है, के बाद वो कहते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी है, वो ये कि इनके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो इजीली रैंडमली आप कह सकते हैं कि मूव कर सकते हैं। अब इनके अंदर अब क्योंकि ये जेली लाइक पोर्शन है, जैसे आपको पता है कि आम यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो उसमें फ्लोट कर रही होती हैं। सेम इज द केस विद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी जेली लाइक अपेयरेंस रखता है, उसके साथ साथ ये कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रैपिडली मूव करवाने की एबिलिटी भी रखता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप एक वर्ड समझें, वो ये कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और लफ्ज बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पूछा जाता है, पीपीएससी में भी आ जाता है और वैसे भी एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझें यहाँ कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, वो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। क्लियर है? जो न्यूक्लियस वाला एरिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस में
न्यूक्लियस में जो फ्लूड होता है वो और जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूड है वो दोनों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। उसके बरक्स अगर हम न्यूक्लियोप्लास्ट की बात करें जो आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, न्यूक्लियोप्लास्ट बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है, मतलब आउटर बाउंड्री भी आ जाती है, उसके साथ साथ इसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है। क्लियर है? मतलब कि साइटोप्लाज्म में आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसके बरक्स अगर हम साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन की एडिशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। क्लियर है? चलें जी, एक बार फिर मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं आसान लफ्जों में, वो ये कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाता है, जिसके बरक्स न्यूक्लियस, आप पॉइंट लिख लें ना अपने नोट्स में, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ें मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन प्लस तमाम चीज़ें, अब उस एवरी थिंग प्रेजेंट विद इन इट, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें और प्लस सेल मेम्ब्रेन मिल के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब एवरी थिंग जो है वो उसमें आपको पता है साइटोप्लाज्म भी आ जाता है प्लस न्यूक्लियस भी आ जाता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक का होता है उस पूरे सेल स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर वीडियो को हमें डिस्कस करना है वो ये है कि हमने इसकी कंपोजिशन की बात करनी है, या आप कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते वो कौन से स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया में कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, वो ये है कि बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जैसा कि अब जो होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि क्रोमैटिन हो गया जिसको हम न्यूक्लियर बॉडी भी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं ये वो न्यूक्लोइड भी आसान लफ्ज में बोल सकते हैं जहाँ ये डीएनए मौजूद होगा, या जो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल का जो क्रोमैटिन या न्यूक्लियर बॉडी मौजूद होती है उसमें मौजूद होती है। क्लियर है? और ये तो स्ट्रक्चर उसमें मौजूद है, उसके साथ साथ कहते हैं कि जो बैक्टीरिया सेल है उसमें राइबोसोम भी मौजूद होते हैं, न्यूसोजोम भी मौजूद होते हैं, ग्रैन्यूल्स भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लोइड भी मौजूद होते हैं। बेसिकली यही वो पोर्शन था जो मैं कह रही थी सेकेंड पोर्शन स्टार्ट होना, जिसमें हम बैक्टीरिया के सेल के अंदर की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और कुछ इनकी जो है वो आउटर बाउंड्रीज आ जाती हैं। तो तमाम डिटेल से डिस्कस करना एक लेक्चर में मुश्किल था, जिसकी वजह से मैं इनको पोर्शन बना के दो दो पॉइंट जो है वो एक टॉपिक में डिस्कस करूंगी। क्लियर है? अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। वो ये होते हैं कि क्रोमैटिन बॉडी होती है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉडी, राइबोसोम बैक्टीरिया सेल में मौजूद होते हैं, म्यूजोजोम मौजूद होते हैं, ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लोइड मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। तो बैक्टीरिया सेल की बात करें तो बैक्टीरिया सेल में कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज मौजूद नहीं होती, मतलब आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, प्लस उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल में साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होते। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया सेल में मौजूद नहीं होते, उसके बरक्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। और ये तमाम स्ट्रक्चर जो हमने बात की, ये तमाम स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। कौन सी मैट्रिक्स में? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स की बात होती है वो एक्चुअली एक ऐसा सरफेस एरिया होता है जहाँ सेल के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनाइज वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनाइज डिस्कस करने का मकसद यही था कि ये तमाम जो ऑर्गेनाइज हमने डिस्कस की उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हमने साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स बोला। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके देन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।